वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अल हाजत। यकीनन मां समझा तो कि आज पाकिस्तान लाए हिकड़ो वडो डी आए, वडो डी हिन करे छो जो करे पाकिस्तान जे सबनन का ताकतवर तरीन इदारे जैके सा सबनन के खबर आ पाक फौज आए। पाक फौज में खुद एहतसाबी जो अमल शुरू थी चुको आ। यकीनन सा खबर आए जनरल फैज़ हमीद जेके पुठन बिन डीन का खबरन में गर्दिश कन पिया। पहरे डी खबर ये आई असा सबनन डिठो से जड़ी फैज़ाबाद धरना कमीशन क्लीन चिट दे छो एक पास जनरल फैज़ हमीद के सभी सूरत हाल से सभी एलिगेशन से ऐसा था। रात जो बे ढी तई इल्ज़ाम बयान PMLN की तरफा तनकीद जो सिलसिलो हलो धरना कमीशन के मथा ए रात जो लेट नाइट कलो की रात जो यह खबर इंदी है कि फैज़ हमीद साहब से इंक्वायरी शुरू थी वही है। ये इंक्वायरी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की शिकायत से थी है। वो हाउसिंग सोसाइटी जो मालिक अज न तकरीबन काफ़ी वक्त अग में 8 नवंबर में 2023 में यह अदालत वही चुको केस अदालत फैसलो कयो कि हाँ इन मामले ते इंक्वायरी थियण घुर्जे। पंजन सवा साढ़े पंजन महीनन खां पो पाक फौज में या इंक्वायरी शुरू थी आ। पर इंक्वायरी उन डी शुरू थी आ जै डी हिकड़े पासे फैज़ हमीद साहब के रिलीफ मिलो, नवाज शरीफ साहब की देरीना ख्वाहिश ही फैज़ हमीद साहब जो एहतसाब थे हाँ वो एहतसाब शुरू थो आ। तो नवाज शरीफ साहब इलाही खुश इन जितरा भी मानू आहिन अगेंस्ट फैज़ हमीद साहब वो चाहन था कि यह इंक्वायरी थे मानून के खबर पे जेके भी गलत कम थिया उन्हें सजा मिलन घुर्जे। गलत कम तो पाकिस्तान में जाम मानून किया पर सजा तमाम घट मानून के मिलंदी आ। सजा मिली भी वने तो आखिर में 10-15-20 साल का पो बाइज़त बरी भी थी वेंदो आ सजा कटन का पो। तो पांजो निज़ाम में अदल तमाम तबाह यकीनन असांगे सोचन घुर्जे। पर एट द सेम टाइम अज जी इंपॉर्टेंस या बा आए कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो मैसेज फ्लोर ऑफ द हाउस दिनों आए वो ऑफकोर्स तक खबर आ। जरदारी साहब मुफाहमत जा बेताज बादशाह कोठा वेंदा अज भी उन्हें मुफाहमत जा दरवाज़ा खोले छ्या। तमाम पाकिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर्स के बुधाए छो कि पाँची जी प्रायोरिटीज़ हैं तरजीहत उनके तुम हाईलाइट कर मथे खी अचो ए पाकिस्तान के जी शयन की जरूरत है वह प्रोवाइड कर यो भी वाजे कर छो कि जितनी भी सियासी जमातू इन सभी के गड वी हलणो आ सब हलन घुर्जन यकीन वक्त भी वाजे कर छो जरदारी साहब के सामने।